एमपी के इंदौर में कोरोना संक्रमण के कारण लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन हालातों को लेकर शुक्रवार को विधायक संजय शुक्ला मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान अपनी बात रखते रखते वह भावुक हो गए और उनके आंसू छलक गए। वहीं विधायक ने सीएम शिवराज व इंदौर जिला प्रशासन को आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधायक संजय शुक्ला की आंखों से छलके आंसू। इंदौर के हालात बयां करते हुए रो पड़े विधायक। विधायक संजय शुक्ला ने दी आत्मदाह की चेतावनी। शिवराज सिंह चौहान व जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। कोरोना संक्रमण के कारण इंदौर की स्थिति भयावह होती जा रही है। इंदौर के जो हालात हैं उसे बयां करते हुए विधायक संजय शुक्ला भावुक हो गए और अपनी बात कहते हुए रोने लगे। उन्होंने कहा कि वह इंदौर में ऑक्सीजन व इंजेक्शन की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, लेकिन न सरकार मदद कर रही है न ही कलेक्टर मदद कर रहे हैं। सरकार द्वारा सिर्फ इंजेक्शन की झूठी घोषणा की जा रही है। उन्होंने इंदौर के जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि का खुद का बेटा अस्पताल में भर्ती है, बावजूद वह इंदौर की जनता की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने इंदौर की जनता से साथ देने की अपील की है। आप लोग भी लगातार हर अस्पताल में हर जगह जाकर देख रहे हैं कि इंदौर शहर में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु इंदौर शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, वैक्सीन इंजेक्शन नहीं मिल रहा उसके लिए हम लगे हुए हैं, परंतु हमारी मदद ना सरकार कर रही है ना कलेक्टर साहब कर रहे हैं, ना कोई मदद करने तैयार नहीं है। हम लोग तो खुला चेक लेकर घूम रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा सिर्फ छोटी घोषणाएं करी जा रही है कि इंदौर में 5,000 इंजेक्शन आ रहे हैं, 10,000 इंजेक्शन आ रहे हैं, परंतु इंदौर में लगातार मैं 2 दिनों से हर अस्पताल का दौरा कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ दौरा कर रहे हैं, कहीं भी इंजेक्शन नहीं मिल रहे। इंदौर का सबसे बड़ा एम्बाय के पास अस्पताल हुआ करता है क्लाक मार्केट, वहां पर मात्र 5 इंजेक्शन दिए गए। आप सोचिए क्या दो शहर की हालत होगी, जो छोटे छोटे अस्पताल हैं परंतु बड़े अस्पताल सब फुल हो चुके हैं, परंतु जो बस्तियों में छोटे छोटे अस्पताल हैं उसमें एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो लोग हाहाकार हो रहा है। और इंदौर शहर में आप देखिए क्या हालत हो रही है, और कई लोग तो बाहर अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन न मिलने से एम्बुलेंस के अंदर और अपनी पर्सनल गाड़ियों के अंदर रिक्शे के अंदर बैठ के सारे लोग एक्सपायर हो रहे हैं, परंतु उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। इंदौर शहर असहाय हो चुका है, ना इंदौर के कोई जनप्रतिनिधि, ना इंदौर के हमारे प्रशासन, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। इंदौर शहर में ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं मतलब देख नहीं पा रहा हूँ इंदौर शहर में क्या स्थिति बन रही है। हर अस्पताल में जाने दौरा कर रहा हूँ, मैं बोलते इंदौर से हमें खेल नहीं सकता हूँ, और मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आप इन जनप्रतिनिधियों को छोड़ के आप जनता काम करें। मेरी हालत हो गई, बेचारे लोग बाहर मर रहे हैं परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं। इंदौर से जनता, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप तो गरीब जनता की चिंता वाले, हम लोग थक चुके हैं, हम कितनी मेहनत करेंगे, हमारा कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ अकेला, हमारे रुझान बैठे थे जीतू बड़वाल जैसे तो कितना काम करते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग एक भी आगे नहीं आ रहे, वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं अकेला कितना करूँ, हालत खराब हो चुकी है मेरी, मैं नींद नहीं आ रही है, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोगों ने मुझे बाहर कर दिया, उसके बावजूद मैं लगाऊ और भारतीय जनता पार्टी लोग बोल रहे हैं नौटंकी कर रहा हूँ। मैं नौटंकी कर रहा हूँ तो मैं अपने घर बैठ सकता हूँ, आप बोल रहे मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, पर तू भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, और मैं आप देखिए जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। मैं आज ये बोल रहा हूँ, पंत मुख्यमंत्री जी आपको जनता माफ नहीं करेगी, इंदौर के कलेक्टर को माफ नहीं करेगी, जो आप सिद्धांत प्रतिनिधि काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और काम कर रहे हैं। मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ आप मेरा साथ दे, हम लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेंगे, कमलनाथ जी लड़ाई लड़ेंगे, अदर सचंद वर्मा जी लड़ाई लड़ेंगे, परंतु आप इंदौर की इंजेक्शन तक रहे, इंदौर लाशों का ढेर बनने वाला है, और इंदौर बाहर लेके नगरी है जो ये माफ नहीं करेगी आप लोगों को, जिन जिनको लाखों फोटो जिता रहे हैं एक भी आगे नहीं आ रहा है। मैं आम जनता से निवेदन करता हूँ आप मेरा साथ दे, हम लोग सब मिल लड़ाई लड़ेंगे, इंदौर को जिताएंगे जैसे हमने हर चीज जिताया है। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन व इंजेक्शन की जरूरत है। विधायक ने घोषणा की है कि अगर 2 दिन में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होती है तो वे आत्मदाह कर लेंगे। अपन को मिलने में मात्र 3 या 4 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो अपनी मृत्यु हो जाती है, परंतु जो बीमार आदमी है उसको 2 मिनट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इंदौर शहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे इंदौर की कई वजह हो रहे हैं, ऑक्सीजन इतना आ रहा है वहां से आ रहा है, 600 टन वहां से आ रहा है, पर इंदौर शहर में सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की, उसके बाद इंजेक्शन की जरूरत है। इंदौर शहर के अंदर लोग मर रहे हैं तो कई
पिताजी मर रहे हैं, माता जी मर रही है, उनको पूरा परिवार की परिवार जा रहा, ऐसा ना हो कि उनके परिवार के लोग आत्महत्या करने लग जाए। कभी उन लोगों ने फिर आत्महत्या करी तो उनके साथ में मैं भी आत्महत्या कर रहा हूँ, आपको घोषणा कर रहा हूँ। 2 दिन के अंदर ऑक्सीजन और एक्सरे व्यवस्था करी तो मैं खुद आत्मदाह करने तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी घोषणा है। मैं करना चाहता हूँ इंदौर में, कभी 2 दिन में आपने ऑक्सीजन नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा या अपने घर के ऊपर से आत्मदाह करने तैयार हूँ। विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि इंदौर की जनता मेरी भगवान है, इंदौर के लोग आज खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार के लोग मर रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान व इंदौर जिला प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप व्यवस्था करें, आदरणीय में कलेक्टर साहब से, आदरणीय हमारे प्रभारी मोदी से निवेदन करना चाहता हूं कि आत्महत्या से व्यवस्था हो जाएगी तो जो लोग करेंगे उसके पहले मैं करने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी जनता मेरी भगवान है, इंदौर का मेरी जन्म लिया है, इंदौर के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, क्यों उनके कारण मान सम्मान मिला हुआ, क्योंकि इंदौर शहर की हकारत हुआ हर परिवार का, किसी के कल ही एक परिवार के उसकी माता जी एक्सपायर हो गई है, उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई है, उनका बच्चा एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी स्थिति आ गई है। लोग अब खाने के लिए नहीं मर रहे हैं, उनके परिवार मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति आ गई है। कभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं हुई, 2-3 दिन के अंदर मैं उनके साथ, कभी मैंने आत्महत्या करी इंदौर शहर में, कभी मैंने आत्महत्या की तो इंदौर शहर कूद के मरने लग जाएगा। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूँ और इंदौर के प्रशासन चेतावनी देना चाहता हूँ, कभी ऐसा कोई किसी ने मरा तो सबसे पहले कूदने वाला मरने वाला मैं आदमी होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जनता है मेरा परिवार, बाद में जनता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा खुद का बेटा सागर शुक्ला लगातार अस्पताल में भर्ती है, वो मेरे घर के अंदर मेरे को मेरा बिस्तर अलग कर दिया गया है, घर के अंदर नहीं आ रहे हैं। मेरा परिवार 80 लोग परिवार है, मैं घर के बाहर रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ मैं जानता हूँ, मेरे को खाना कैसे मिल रहा है जान रहा हूँ, मेरा बच्चा अस्पताल भर्ती होने के बाद भी मैं आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर अस्पताल में जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ में जा रहे हैं, परंतु प्रशासन इंदौर का जग नहीं रहा है और एक भी इंजेक्शन हमको नहीं दिया जा रहा है, और हम तो चेक भी दे रहे हैं, हम अस्पताल भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और हमसे क्या चाहिए, आप जान ले लें हमारी, हम जान देने को भी तैयार है, परंतु इंदौर की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाएं। मैं यही आप निवेदन कर रहा हूं, इंदौर शहर मैं तो आत्महत्या करूंगा, इंदौर शहर आपने कर लिया तो हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड आपके लिए थू करेगा, आप दमो जीत जाएंगे, बंगाल जीत जाएंगे, परंतु देश से हार जाएंगे, प्रदेश से हार जाएंगे। यही मेरा आप, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन का कभी नहीं हुआ तो मैं ये तैयारी करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। मैं संजय शुक्ला की पीड़ा क्या है वो बता चुके हैं प्रेस में, उस पर सत्ताधारी दल और अधिकारी संज्ञान में ले तो दूसरी नौबत कभी आ ही नहीं सकती, हम सबको मिलकर लड़ना है भाई। सवाल ये है कि बोला क्यों, बोला इसलिए कि सहयोग का अभाव है, तो सहयोग करें, खत्म। इंदौर के हालातों को देखते हुए जहां विधायक संजय शुक्ला का दर्द बाहर आया, वहीं अब विधायक की चेतावनी से इंदौर की सियासत में भी उबाल आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इंदौर।